हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक। आप सबको इलेक्ट्रो दुनिया चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में देखने वाले हैं कि मोटर के लिए स्टार्टर का सिलेक्शन कैसे करते हैं। दोस्तों, इंडस्ट्री में आपने कई टाइप का स्टार्टर देखे होंगे। कौन सा मोटर है उसके लिए कौन सा स्टार्टर हम लोग सेलेक्ट करेंगे, वो कैसे करते हैं, इस वीडियो में हम लोग देख लेंगे। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा, सारे पॉइंट्स को हम लोग कवर कर लेंगे और आप भी मोटर के लिए स्टार्टर सेलेक्ट कर सकते हैं अपने खुद से, ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा सबसे पहले। दोस्तों, बात वही होगी जो आप चाहेंगे, मोदी जी तो हूं नहीं कि मन की बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मोटर का स्टार्टर सेलेक्ट करने से पहले हमें कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए और कुछ बातें को पता भी होना चाहिए। जो पहली बात है कि वो जो मोटर हम लोग जो उस मोटर के लिए हम लोग स्टार्टर को लगाने वाले हैं, उस कौन से किस टाइप का मोटर्स है, उस मोटर की कैपेसिटी क्या है, वो कितने किलोवाट का है, ये सब पता होना चाहिए। उसके बाद से लास्ट में जो पता होना चाहिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो है कि हम उस मोटर का कहाँ पे यूज करने वाले हैं और उसका क्या एप्लीकेशन है। ये सब पता होने के बाद से हमारे पास कुछ स्टार्टर है, जैसे DOL स्टार्टर होता है, स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है, सॉफ्ट स्टार्टर होता है और VFD स्टार्टर होता है। इसी चारों में से हम लोग एक स्टार्टर को सेलेक्ट करेंगे। देखिए, DOL स्टार्टर को हम उस समय सेलेक्ट करेंगे जब हमारा मोटर का जो रेटिंग है, जो साइज है, वो कम हो और वहाँ पे एप्लीकेशन में जो होना चाहिए वो मतलब हाई टॉर्क वाले एप्लीकेशन होना चाहिए, जिससे कि मतलब हाई टॉर्क भी हो, मतलब डायरेक्टली हम उसमें लाइन टू लाइन सप्लाई दें और वो हमारा मोटर रन करे, तो उस जहाँ पे यूज हो रहा है वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मतलब ये कि आपको एक कांस्टेंट स्पीड में मोटर को रन कराना है तो वहाँ पे हम DOL स्टार्टर को यूज करेंगे। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि DOL स्टार्टर का यूज करते हैं, जैसे पढ़े भी होंगे कि 5 HP से लेकर 7.5 HP तक के लिए हम लोग DOL स्टार्टर को यूज करते हैं। जबकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो 100 HP 200 HP के लिए भी मैं DOL स्टार्टर देखा हूं और यूज भी किया हूं और मैं अभी तक चलाते आ रहा हूं उसको। तो इतने बड़े साइज के मोटर के लिए DOL स्टार्टर को हम लोग कैसे यूज करते हैं और उसका सिलेक्शन कैसे किए हैं, उसका एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा, वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप DOL स्टार्टर के लिए किस पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे कांस्टेंट स्पीड आपको चाहिए, मतलब स्पीड को कम और ज़्यादा ना करें, वहाँ पे आप DOL स्टार्टर को यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर। देखिए, मैं तो आपको सजेशन यही दूंगा कि आप अगर 10 HP से ज़्यादा का मोटर है, 15 HP से ज़्यादा का मोटर है, वहाँ पर स्टार डेल्टा स्टार्टर को आप यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो हाई टॉर्क है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। देखिए, DOL स्टार्टर जब भी आप यूज करते हैं तो उस समय क्या होता है कि स्टार्टिंग करंट, DOL स्टार्टर के लिए स्टार्टिंग करंट जो होता है मोटर के रेटेड करंट से 6 से 8 गुना ज़्यादा लेता है। अगर मैं जैसे अभी को बताया कि 200 HP के लिए जो मैं DOL स्टार्टर यूज किया हूँ, उस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे ही मैं मोटर को स्टार्ट करता हूँ तो हमारा इतना ज़्यादा करंट लेता है कि ये करंट हमारा जो इनकमर है, हमारा जो MCC का सर्किट ब्रेकर है, उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो अगर आप हाई रेटिंग का मोटर है उस पर अगर DOL स्टार्टर यूज करेंगे तो आपके जो भी बगल में उसके बाद से जो भी एप्लीकेशन, जो भी स्टार्टर होगा उस पर इफेक्ट पड़ेगा, जो वोल्टेज पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो इसके लिए आपको जब भी 10 HP या 15 HP 20 HP का मोटर है तो उसके लिए आप स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज कर सकते हैं, जहाँ पे कांस्टेंट स्पीड चाहिए। उससे भी अच्छा है कि आप सॉफ्ट स्टार्टर यूज कर लीजिए, जैसे मैं 30 HP 40 HP 50 HP यहाँ पे 100 HP 200 HP जो भी मोटर है कांस्टेंट स्पीड पे, मेरी बातों को ध्यान दीजिए, जहाँ पे कांस्टेंट स्पीड की ज़रूरत है वहाँ पे आप सॉफ्ट स्टार्टर को भी यूज कर सकते हैं। एबव 30 या 40 आप सॉफ्ट स्टार्टर को यूज कर सकते हैं। लास्ट में हम लोग जहाँ पे कांस्टेंट स्पीड हमारे पास नहीं हो, मान लीजिए कि हमें रनिंग कंडीशन में या हमको कुछ देर तक मोटर का स्पीड हमें थोड़ा सा कम चाहिए, उसके बाद हमें ज़्यादा चाहिए, या पहले हमारे मान लीजिए 1000 RPM में चाहिए, उसके बाद से 1500 RPM में चाहिए, या हमें 900 RPM में चाहिए, मतलब स्पीड हमारा वेरी करते रहे,
उस कंडीशन में आपको VFD को ही यूज करना पड़ता है। VFD क्या होता है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव होता है, जहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंसी को चेंज करके मोटर का स्पीड को चेंज कर देते हैं। अगर आपको इस मोटर के स्पीड आपको अलग अलग चाहिए, एप्लीकेशन में आपका ऐसा यूज है कि स्पीड चेंज होना रिक्वायरमेंट है, तो आप VFD को यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।